मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला भाजपा और आरएसएस के इशारे पर धांधलियां कर रहा है, जिसके खिलाफ आज उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि भाजपा और आरएसएस ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को धांधलियों का अड्डा बना दिया है। जिस तरह सिकंदर कुमार, पीएल शर्मा, अरविंद भट्ट ने अपने बच्चों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की पीएचडी में दाखिला करवाया है, यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसका पुरजोर वे विरोध करते हैं। तीनों एडमिशन यूजीसी के नियमों के खिलाफ है, इसलिए इन एडमिशन को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। माकपा नेता संजय चौहान ने कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात विश्वविद्यालय के लिए नहीं हो सकती, जहां एक और आम गरीब किसान मजदूरों के बच्चे दिन रात एक करके पीएचडी में दाखिला लेने के लिए मेहनत कर रहा है, उनको बिल्कुल दरकिनार करते हुए सिर्फ अपने चहेतों को दाखिला दे दिया। उसमें भी कोई विज्ञापन इन सीटों को लेकर जारी नहीं किया गया और ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसी धांधलियां पीएचडी के अंदर हुई है। दीनदयाल उपाध्याय पीठ के अंदर भी सिर्फ एक विशेष विचारधारा के लोगों को भर्ती किया गया, जिसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं निकाली गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन भारी विरोध के बाद एक बचकाना स्पष्टीकरण जारी कर रहा है, जिसमें कहा है कि इससे विश्वविद्यालय के निम्न वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने में सहायता मिलेगी। सीपीएम ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग के अंदर गिरावट के लिए भी ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी और उनके कारनामे जिम्मेवार हैं। सक्षम लोगों को बिठाकर जो है शिक्षा पर हमला कर रही है, ये आज हमारी पार्टी सीपीआईएम जो शिक्षा के ऊपर हमला जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर किया जा रहा है, विशेष रूप में जिस प्रकार से अभी हाल ही में आपने देखा जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो वाइस सीपीआईएम के द्वारा आज ये जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो गैर कानूनी रूप से जो वहां के वाइस चांसलर हैं, वहां के डीन है और यूआईआईटी के जो डायरेक्टर है, उनके जो बच्चों को जो गैर कानूनी रूप से बैकडोर से जो एडमिशन दिया गया, उसके विरोध में आज सीपीआईएम जो है प्रदर्शन कर रही है। और हम इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी रूप से जो बैकडोर से जो एडमिशन दिए, इनको जो है तुरंत रद्द किया जाए। और जिस प्रकार से पिछले जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में सत्तासीन हुई है, आरएसएस और भाजपा के दबाव के चलते जो है विश्वविद्यालय के स्तर को जो है बिल्कुल गिरा दिया गया। और आज मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, ये विश्वविद्यालय वो है जिसने बहुत सारे ऐसे लोग जो है शिक्षा हासिल करके देश विदेश में जो है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करके जो है नाम कमाया, परंतु जिस प्रकार से ये भाजपा की सरकार आरएसएस के दबाव में जो है इस विश्वविद्यालय के स्तर को गिराने का काम कर रही है, हमारी पार्टी इसको बिल्कुल भी टॉलरेट करेगी। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कोविड काल के दौरान कि जिस प्रकार से बैकडोर से भर्तियां जो है की गई है, और वो भी ऐसे लोगों को जो बिल्कुल भी उस पद के लिए एलिजिबल नहीं थे, ये आरएसएस के लोगों को जो भर्ती देने का काम है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है, प्रदेश में जो आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोग हैं उनको ये जो आउटसोर्स में भर्तियां होती हैं, उनकी कंपनियां रजिस्टर्ड है, उनके माध्यम से जो है आरएसएस और भाजपा के जो सक्षम लोग नहीं है उनको जो है विभिन्न विभागों में विश्वविद्यालय में जो है भर्तियां की जा रही है। हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। यदि सरकार जो है तुरंत इन एडमिशन को रद्द नहीं करती है तो आने वाले समय में जो है इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम प्रदेश की जनता, छात्र समुदाय, युवा सबसे जो है आज आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रदेश को, इस विश्वविद्यालय को और शिक्षा को बचाने के लिए जो है आप आगे आए, इस तरह के आंदोलन करें ताकि इस प्रदेश को और शिक्षा को बचाया जा सके।